Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. In this video, we will discuss three important writers from the age of revival: Thomas Mallory, William Caxton, and Thomas More. So let's start. Thomas Mallory's lifespan is from 1415 to 1471. He was an English writer and is identified as Sir Thomas Mallory of Newbold Revel in Warwickshire. वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ थामस मेलोरी इज ले मोर्टिडी आथर इसका ओरिजिनल टाइटल है द होल बुक ऑफ किंग आथर एंड हिज नोबल नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल ओके नाउ रिमेंबर विलियम वाइचोली का वर्क प्लेन डीलर ठीक है प्लेन डीलर विलियम वाइचली का वर्क है वो थॉमस मेलोरी के मोर्टिडी आथर पर बेस्ड है इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वर्क इज ये वर्क को पब्लिश किया विलियम कैक्सटन ने इन द ईयर फोटीन एटी फाइव ओके ना ओरिजिनली मेलोरी ने एट बुक्स लिखी थी बट कैक्सटन ने उसे कन्वर्ट किया ट्वेंटी वन बुक्स में ओके ट्वेंटी वन बुक्स में एट बुक्स जो थॉमस मेलोरी ने लिखी वो ऐसे हैं फर्स्ट फ्रॉम द मैरिज ऑफ किंग अर्थर अंड टू किंग आर्थर दैट वी गेंड आफ्टर हिम एंड डिड मैनी बैटल्स सेकेंड बुक इज द नोबल टेल बिटवीन किंग आर्थर एंड ल्यूसियस द एम्प्रर ऑफ रोम थर्ड इज द नोबल टेल ऑफ द लैंडस्लॉड ड्यू लेक

नाव वी नो दैट विलियम कैक्सटन का लाइफ स्पैन है फ्रॉम फोर्टीन ट्वेंटी टू टू फोरटीन नाइन्टी वन ही वॉज अ इंग्लिश मर्चेंट डिप्लोमैट एंड राइटर ओके ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन फोर्टीन सेवेंटी सिक्स ये प्रिंटिंग प्रेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन अ वीडियो द एज ऑफ रिवाइवल ओके नाव कैक्स्टन के एक फ्रेंड थे कॉलरेड मैंशन इन्होंने एक प्रेस सेट करी इन बर्गेस ठीक है बर्गेस एक जगह है जहाँ पर इन्होंने एक प्रेस सेट करी अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंग्लिश तो फ्रेंच बुक है द रिकलीस ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय ये फ्रेंच बुक है इसको ट्रांसलेट किया कैक्सटन ने इन टू इंग्लिश गेव द नेम ल्यूफेयर और ये फर्स्ट बुक बनी टू प्रिंट इन इंग्लिश तो फर्स्ट प्रिंटेड इन इंग्लिश वॉज ल्यूफेयर ओके कैक्सटन ने ओविट्स के मेटामॉर्फोसिस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ऑल्सो कैक्सिन को एक टाइटल मिला गवर्नर ऑफ द इंग्लिश नेशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर्स रिमेंबर द टाइटल जो विलियम कैक्सन को मिला गवर्नर ऑफ द इंग्लिश नेशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर्स ओके और जो प्रिंटिंग प्रेस थी कैक्सिन का उसका नाम था द रेड पेल ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है वॉट वॉज द नेम ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय विलियम कैक्सिन द नेम वॉज द रेड पेल ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट थॉमस मूरे तो थॉमस मूरे वॉज नोन एज रेनेसा ह्यूमैनिस्ट इन्हें रेनेसा ह्यूमैनिस्ट कहा जाता था एंड ही वॉज द लॉर्ड चांसलर टू किंग हैं एट एंड वॉज बी हैडेड इन द ईयर फिफ्टीन थर्टी फाइव फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव द अथॉरिटी ऑफ़ पोप इन्होंने पोप की अथॉरिटी देने से मना कर दिया था इसलिए इन्हें बी हैड किया गया इन द ईयर फिफ्टीन थर्टी फाइव जब हम थॉमस मूरे की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उनका यूटोपिया दैट वॉज पब्लिश इन द ईयर फिफ्टीन सिक्सटीन यूटोपिया एक ऐसे है जो लेटिन लैंग्वेज में लिखा गया और दो बुक्स में लिखा गया ओके फर्स्ट बुक जो है वो डिस्क्राइब करती है जो इनजस्टिस और अप्रेसिव सिचुएशन हैं इंग्लैंड की उसको और जो सेकेंड बुक है वो दिखाती है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड यूटोपिया ना एक्चुअली यूटोपिया मीन्स क्या है यूटोपिया मीन्स वेयर लैंड और आइडल लैंड एक ऐसा लैंड जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है तो सेकेंड बुक जो है वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है इंग्लैंड और यूटोपिया के बीच में क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिवनेस है इनजस्टिस है तो उसके बीच में ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है रेफेल हेथलॉड्स ओके और इनसे थॉमस मूरे ने मीटिंग करी थी इन एंटवर्प एंटवर्प में ये थॉमस मुरे से मिले थॉमस मुरे ने इनके कैरेक्टर को प्रोटोगानिस्ट बताया नाउ कुछ कैरेक्टरस्टिक्स हैं यूटोपियन यूटोपिया की जो हमें ध्यान रखनी है ये नेट में भी क्वेश्चन आता है कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटोपियन लैंड और विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटोपियन लैंड तो ये फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हें आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए फर्स्ट कंप्लीट सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल को पूरा सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम मिलता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव व कॉल सैफोग्रेनिटस एंड ट्रॉनीबोरस बोरस जो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये दो नाम दिए जाते हैं बट जो हेड है वो प्रिंस ही रहता है नो प्राइवेसी और प्राइवेट ओनरशिप नाउ आज के टाइम में क्या है कि ये घर किसी से अगर बिलोंग करता है तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई बट यूटोपियन लैंड में ऐसा नहीं है यूटोपियन लैंड में जो हाउसेज हैं वो रोटेट होते हैं आफ्टर एवरी टेन ईयर्स ओके okay, तो दस साल तक ये घर इसका रहेगा फिर दस साल तक इसका रहेगा फिर दस साल तक इसका रहेगा तो कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है एंड फोर्थ और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार नेट में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि विच वॉज द फेवरेट पास टाइम ऑफ यूटोपिया लैंड तो फेवरेट पास टाइम इज म्यूजिक कॉन्वर्सेशन एंड पब्लिक लेक्चर्स ओके नाउ वी नो दैट यूटोपिया वॉज रिटन इन लेटिन तो यूटोपिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया Ralph Robinson ne in the year 1551. Remember, Utopia was translated into English by Ralph Robinson in the year 1551. So these were the three important writers from the age of revival. In the next video, we will discuss two sonnets from this age, that is Thomas Voet and Sure. If you like the video, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, all the best and keep learning.